तो स्टूडेंट देखिए, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं आपका टू डायमेंशनल एरे, टू डी एरे। आपने देखो मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, टू डी एरे मीन्स मैट्रिक्स। इसको दूसरी लैंग्वेज में हम मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिक्स मीन्स देखो, वन डायमेंशनल एरे मीन्स जिसको हम एक ही एक्सेस में डिस्प्ले करा सकते हैं, जिसके एलिमेंट को एक एक्सेस में हम डिस्प्ले करा सकते हैं, आइदर एक्स और वाई एक ही एक्सेस में डिस्प्ले होते हैं विदाउट एंगल लगा के। अगर आप डिस्प्ले कराते हैं वन डायमेंशनल एरे के एलिमेंट्स को तो वो एक्स एक्सेस में डिस्प्ले होगा। अगर आप एंगल लगा के अगर उसको यूज कराते हैं एटलीस्ट स्लैश है या एंगल, तो वो वाई एक्सेस में आपको डिस्प्ले होता है। ठीक है, तो उस वन डायमेंशनल एरे एलिमेंट कैन बी डिस्प्ले इन वन एक्सेस, एक ही एक्सेस में डिस्प्ले हो पाते हैं। बट आपको सेकेंड जो आता है टू डायमेंशनल एरे, टू डायमेंशनल एरे के एलिमेंट्स को हम कितनों में करा सकते हैं, ये टॉपिक आज और कल में पूरा होगा, थोड़ा बड़ा टॉपिक है। ठीक है, आधा आज होगा आधा कल। और टू डायमेंशनल एरे के एलिमेंट्स को हम दो एक्सेस में कराते हैं। दो एक्सेस कौन कौन से, आपके एक्स एंड वाई एक्सेस। आप देखो, अगर मैं इस मैट्रिक्स को अगर देखता हूँ स्टूडेंट, ये मैट्रिक्स जो आपको दिखाई दे रही है, फॉर एग्जाम्पल 1 0 1 100 1 2 3 4 5 6 7, तो ये जो आप मैट्रिक्स देख रही है स्टूडेंट, इसकी आपने इंडेक्सिंग अगर समझ ली ना, तो ये मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन चुटकियों हो जाएंगे। इट मीन प्रोग्रामिंग की इंडेक्सिंग समझ लो आप। तो आप यहाँ देख रहे हैं 3x3 मैट्रिक्स है, 9 एलिमेंट्स आप देगा, 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स क्या लगने ना। तो अब यहाँ पर ये जो लूप जो आपकी फिक्स होगी स्टूडेंट, लूप हमारी किस तरह फिक्स होती है, यहाँ पर लूप हमारी फिक्स होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल लूप किस तरह फिक्स होगी, इसको 100 माना था ना, 100 और ये हो गया आपका 1। अब देखो स्टूडेंट यहां पर क्या होगा, अब यहां मान लेते हैं 0 1 2, ये तो रोज हो गई, कॉलम्स को मान लेते 0 1 2। ठीक है, अगर मैं इस इंडेक्स के, इस एलिमेंट के इंडेक्स की बात करता हूं, इस एलिमेंट के इंडेक्स की बात करता हूं, और इस मैट्रिक्स का नाम अगर मान लेता हूं मैं ए, तो इस 101 का इंडेक्स क्या होगा स्टूडेंट, ए 0 0। ठीक है ना, अब वहां पर वन डायमेंशन में क्या होता था, ए 0 ए 1 ए 2 ए 3 ए 4 ए 5 सो ऑन ए 6 ए 7 तरह चलता रहता था। बट टू डायमेंशनल एरे में इसके इंडेक्स, इस एलिमेंट के इंडेक्स की अगर मैं बात करता हूं कितना होगा, 0 0 0 1 0 1 0 2 1 0, इसका क्या होगा 1 1 1 2 2 0 2 1 2 2, इस तरीके से आपकी इंडेक्सिंग हो जाएगी। यहाँ पर समझ में आ गया ना, इंडेक्सिंग समझ में आ गई सबकी, अब इंडेक्सिंग आपकी इजीली समझ में आ गई। अब स्टूडेंट इस मैट्रिक्स को इनपुट कैसे करते हैं, वन डायमेंशनल मैट्रिक्स को तो हम इजीली इनपुट कर रहे, कैसे कर रहे थे कि फॉर लूप में फिक्स थी, कैसे, फॉर लूप i = 0 i = 0, i < n - 1 i = i + 1, इस तरीके से मैंने वन डायमेंशनल मैट्रिक्स को इजीली इनपुट कर ली थी विद द हेल्प ऑफ ओनली वन लूप। क्योंकि यहाँ जो आपकी लूपिंग होती है वो कैसे स्टार्टिंग होती है, सबसे पहले यहाँ आई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी स्टूडेंट। 0 होने के बाद सबसे फर्स्ट ए ऑफ 0 की वैल्यू इनपुट करता था, फिर ए ऑफ 1 की वैल्यू इनपुट करता था, फिर आपकी ए ऑफ 2 की वैल्यू इनपुट करता था, इस तरीके से सो ऑन, वो आपका 1 by 1 सभी एलिमेंट्स की वैल्यू इनपुट करने का काम करता। बट इन टू डायमेंशनल एरे, बट इन टू डायमेंशनल एरे हाउ वी इनपुट द वैल्यू फॉर दिस एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स के लिए कैसे हम लूप फिक्स करेंगे इसको इनपुट करने के लिए। अब तो यहां आप देख रहे हैं फर्स्ट एलिमेंट सेम है, प्रत्येक रो का फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स सेम है, 0 0 0 ऊपर का इंडेक्स, फिर 1 1 1 है, फिर 2 2 2 है, इसका मतलब है। तो यहां मुझे किस कॉन्सेप्ट का यूज करना पड़ेगा, इनर एंड आउटर लूप कॉन्सेप्ट का यूज करना पड़ेगा। तो यू नो स्टूडेंट, इनर एंड आउटर लूप, इनर लूप क्या होती है, इनर लूप और आउटर लूप, पहली लूप होती है आउटर लूप,
आउटर लूप जो हम स्टूडेंट लगाते हैं टू डायमेंशनल में, वो लगाते हैं रोज के लिए। किसके लगाते हैं? रोज के लिए लगाते हैं। तो रोज कितनी होती है? फॉर रोज आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन इक्वल टू टू, आई इक्वल टू आई प्लस वन। अगर ये आपको दोनों लूप का ही प्रोसेस समझ में आ गया स्टूडेंट, तो इसकी प्रोग्रामिंग में कुछ नहीं है। कैसा भी कॉन्सेप्ट आया आप इजीली उसको तुरंत कर दोगे, कैसी प्रोग्रामिंग कर दोगे। सेकंड लूप इज फॉर किसके लिए होती? कॉलम्स के लिए। कॉलम के लिए क्या लेट कर लेते हैं हम? k इक्वल टू जीरो, k लेस देन इक्वल टू टू, k इक्वल टू k प्लस वन। ओके, ये हमारा हो गया सेकंड लूप। हो गया क्या? हो गया स्टूडेंट सेकंड लूप के लिए इंडेक्स हो गया। किसके लिए हो गया? सेकंड लूप के लिए। अब स्टूडेंट देखना यहाँ पर, अब आप देखना कैसे किस तरह से चलेगी ये लूप। इस लूप को हम क्या बोलते हैं? आउटर लूप। क्या बोलते हैं? आउटर लूप बोलते हैं। सेकंड लूप को क्या बोलते हैं? इनर लूप बोलते हैं। कौन सी लूप बोलते हैं स्टूडेंट? इनर लूप बोलते हैं। इट मीन लूप इनसाइड लूप इज नॉन एज नेस्टेड लूप एंड फर्स्ट लूप इज नॉन एज आउटर लूप एंड द इनसाइड लूप किसके इनसाइड? आउटर लूप के इनसाइड जो लूप होती है उन्हें हम बोलते हैं इनर लूप बोलते हैं। ठीक है, अब समझना यहाँ पर कैसे कॉन्सेप्ट हमारा काम आता है। इनर लूप समझ में स्टूडेंट? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ओके, इनर लूप। अब सबसे पहले स्टूडेंट आई की वैल्यू हमारी क्या होगी? जीरो होगी। समझना ये कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट अगर आपके समझ में आ गया तो आप ये समझ लो प्रोग्रामिंग का, ये समझ लो ये मैट्रिक्स प्रोग्रामिंग का बेस है कि कैसे इनपुट करें और मैट्रिक्स को कैसे आउटपुट करें। आई की वैल्यू सबसे फर्स्ट स्टूडेंट जीरो होगी, फिर वो कंडीशन चेक करेगा क्या आई इट मीन जीरो स्मॉलर देन इक्वल टू टू है। यस टू है, तो तुरंत ये इनसाइड द लूप चला जाएगा। अब इनसाइड द लूप एक लूप इसका इंतजार कर रही है, ठीक है ना? कौन सी लूप इंतजार कर रही है? दूसरे लूप इंतजार कर रही है। कौन सी लूप? इनर लूप। अब इनर लूप के अंदर हम क्या लिख देंगे स्टूडेंट? इनर लूप के अंदर लिख देंगे सी इन ए ऑफ आई के। अब समझना, तो अब के जो प्रोसीड होगा स्टूडेंट, के जो हमारा प्रोसीड होगा वो कहां से प्रोसीड होगा? जीरो से प्रोसीड होगा। आई की वैल्यू कितनी है इस समय? जीरो है। आई की कितनी है स्टूडेंट? जीरो। सी इन अब के हमारा जीरो हुआ, चेक करेगा के क्या स्मॉलर देन इक्वल टू टू है। यस, अब इनसाइड द लूप आ गया। अब आई की वैल्यू क्या है? स्टार्टिंग में जीरो है, के भी हमारा जीरो है, तो सीन किसकी वैल्यू को सीन करेगा? ए जीरो जीरो की वैल्यू को इनपुट कराएगा। ए जीरो जीरो मतलब पहला एलिमेंट किसका? मैट्रिक्स का। अब ये बेटा जब तक ये इस इनर लूप के अंदर रहेगा, ये जब तक आपकी क्या नहीं होगी? कंप्लीट नहीं होगी। अब के की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वन। फिर कंडीशन चेक करेगा क्या वन स्मॉलर देन इक्वल टू टू है। यस टू, कंडीशन टू कंडीशन है। अभी हमारा आई क्या है? आई हमारा जीरो ही है। अभी देखो आउटर लूप के एक स्टेप के लिए इनर लूप और स्टेप चलती है जब तक वो कंप्लीट ना हो, ठीक है? अब के हमारा वन हुआ, आई हमारा जीरो है, तो अब सेकेंड टाइम पर किसकी वैल्यू इनपुट हो जाएगी? ए जीरो वन की, क्योंकि आई तो जीरो ही है। जीरो वन की वैल्यू इनपुट हो जाएगी, इटमीन्स किसकी? सेकेंड वाले एलिमेंट वैल्यू इनपुट हो जाएगी, ठीक है ना? देखो समझो, पहले आई वैल्यू कितनी थी? जीरो, के भी जीरो, फर्स्ट एलिमेंट वैल्यू इनपुट हो गई। अब आई हमारा जीरो रहेगा, ये के चलता रहेगा, तो आई हमारा जीरो, के हो गया वन, तो कंडीशन ट्रू है, तो जीरो वन की वैल्यू इनपुट करा दी। फिर के की वैल्यू कितनी हो गई? टू हो गई ना। टू होने के बाद में, हेलो नमस्ते, अब देखो अब के क्यू कितनी होगी? टू। आई क्यू कितनी है? जीरो है, ठीक है? तो अब क्या होगा? जीरो टू, जीरो टू मतलब इस वैल्यू की वैल्यू इनपुट हो जाएगी, ठीक है? अब ये के थ्री हो जाएगा तो ये लूप से बाहर आ गया,
इनर लूप कंप्लीट हो गई एक बार, अब फिर ये जाएगा आउटर लूप में। आउटर लूप में आई की वैल्यू कितनी थी स्टूडेंट, जीरो थी। अब कितनी हो जाएगी आपकी, वन इंक्रीज हो जाएगी, वन हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, वन वन हो जाएगी, ठीक है ना। ठीक, वन होने के बाद फिर ये अंदर जाएगा, फिर हमारा प्रॉफिट होगा जीरो से लेकर टू तक। तो फिर ये क्या करेगा, सेकंड रो को इनपुट करेगा वन जीरो, क्या हो जीरो, फिर होगी वन, फिर होगी टू, बट आई हमारा कॉन्स्टेंट रहेगा वन के बराबर। तो क्या करेगा ये, सबसे पहले वन जीरो की वैल्यू इनपुट करेगा, फिर वन वन की वैल्यू इनपुट करेगा, फिर वन टू की वैल्यू इनपुट करेगा, ठीक है। के हमारा कंप्लीट हो गया, इसके बाद फिर क्या होगा, के की वैल्यू एक इंक्रीज हो जाएगी, थ्री हो जाएगी, लूप से बाहर आ जाएगा। फिर आई हमारा फिर टू होगा, एक बार और बढ़ेगा आई, टू हो जाएगा, टू कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा आई की वैल्यू टू। फिर के हमारा प्रोसेस होगा जीरो से लेकर टू तक, फिर प्रोसेस होगा, ठीक है। तो क्या होगा, आई हमारा टू है, के फिर चलेगा जीरो वन टू। तो क्या होगा, नेक्स्ट जो रो है टू जीरो टू वन टू टू, इसकी वैल्यू इनपुट हो जाएगी। के हमारा थ्री हो जाएगा, आउटसाइड लूप आ गया। फिर आई हमारा थ्री होगा, ये भी लूप से बाहर आ जाएगा। कहने का मतलब है कि आउटर लूप के एक स्टेप के लिए इनर लूप कितने स्टेप चल रही है, थ्री स्टेप, इट मींस कंप्लीट स्टेप चल रही है, ठीक है, समझ आ गया। तो अब इसी तरीके से हमारे इनपुट होते हैं किसके, मैट्रिक्स के। हम फर्स्ट रो, फर्स्ट जो लूप लगाते हैं वो किसके लिए लगाते हैं, रोज के लिए लगाते हैं। सेकंड लूप लगाते हैं कॉलम्स के लिए लगाते हैं। तो एक बार ये बढ़ती है, फिर ये और स्टेप चलती है, फिर एक बार ये बढ़ती है, फिर ये और स्टेप चलती है, फिर एक बार बढ़ती है, फिर और स्टेप। जितने स्टेप हमारे प्रोसीड होंगे वन बाय वन, एक और इस तरह से बढ़ती जाएगी, ठीक है ना, समझ में आ गया। इस तरीके से हम इनपुट करने का काम करते हैं किसी मैट्रिक्स को। अगर मुझे सी आउट करना है तो सेम स्थिति है, सेम स्थिति है, जैसे थोड़ा समझना, क्या कर देते हैं हम यहाँ पर, सी आउट ए ऑफ आई के, और एक थोड़ा सा और होता है इसमें, अगर मैं यहाँ पर सी आउट ए ऑफ आई के लगा दूं तो ये मैट्रिक्स के एलिमेंट ए की लाइन में आ जाएंगे पूरे दिन। तो इनको रो वाइज डिवाइड करने के लिए भाई एक बात मैं आपको पूछता हूँ, जब आउटर लूप का एक स्टेप होता है, इनर लूप तीन बार चलती है इस तरह प्रोग्राम में, तीन बार चलने के बाद एक रो को डिस्प्ले करा देती है, ये तो होता है। फिर उसके बाद फिर आउटर लूप का एक स्टेप पड़ता है, फिर इनर लूप चलती है तीन बार इस तरह प्रोग्राम में, फिर सेकंड रो को डिस्प्ले करा देती है, फिर आउटर लूप का एक स्टेप पड़ता है, इनर लूप के सभी स्टेप पड़ते हैं, तीसरी रो डिस्प्ले हो जाती है। तो इनको मैट्रिक्स के रूप में दिखाने के लिए, इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स वी हैव टू यूज एंड एंड आफ्टर इनर लूप टर्मिनेशन। इनर लूप के टर्मिनेशन के बाद, कंप्लीट होने के बाद एक बार क्या लगा देते हैं हम, क्या लगा देते हैं स्टूडेंट, सी आउट एंड एंड। अगर सी आउट एंड एंड अगर नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, वो हमारे जो सभी के सभी एलिमेंट्स है वो एक ही लाइन में आ जाएंगे, तो मैट्रिक्स नहीं रह जाएगी, वो क्या बन जाएगी आपकी, वन डायमेंशनल एरे बन जाएगा। तो इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में दिखाने के लिए हम यहाँ पर किसका यूज करते हैं स्टूडेंट, एक लूप का पूरा हो जाने के बाद किसका यूज करते हैं, सी आउट एंड एंड, लिख गया ओके, समझ में आ गया। तो ये मैट्रिक्स का मैंने बेसिक बताया आपको कि मैट्रिक्स होती क्या है, दूसरा इसके इंडेक्सिंग कैसे होती है, इसको इनपुट कैसे करते हैं, इसको आउटपुट कैसे करते हैं, आउटर लूप क्या होती है, इनर लूप क्या होती है, ये बहुत सारी चीजें मैंने आपको क्या करती स्टूडेंट आज बता दी, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा और देखिए, आज एक तो सिंपल प्रोग्राम करा देते हैं, थोड़ा देखिएगा। अब मैं एक छोटा सा प्रोग्राम कराता हूँ कि राइट ए फंक्शन टू डिस्प्ले द all value of two dimensional array matrix which are divisible by 10. two dimensional matrix के वो मुझे element display करने हैं जो 10 से divisible है। छोटा सा प्रॉब्लम कर रहा हूँ, बेसिक प्रॉब्लम, ठीक है, जिससे आप थोड़ा सा समझेंगे। तो स्टूडेंट ये आपको एक छोटा सा आपको फंक्शन क्रिएट करना है, ऐसे फंक्शन भी आते हैं 2-2 मार्क्स के, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो मैंने वन डायमेंशनल एरे में आपको बताया था, देर इज नो नीड टू क्रिएट द कंप्लीट प्रोग्राम विद मेन फंक्शन, मेन फंक्शन के साथ पूरा कंप्लीट प्रोग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है बोर्ड में,
वहां ओनली आपको क्या बनाना पड़ता है, कॉन्सेप्ट, इट मीन्स फंक्शन क्रिएट करना पड़ता है। फंक्शन क्रिएट कर दिया, क्या चाहता है फंक्शन, मतलब व्हाट यू वांट इन प्रोग्राम, आप प्रोग्राम में कौन सी प्रोसेस करना चाहते हो, प्रोसेस देखता है बस, उतना आपको काम करना होता है। ठीक है, आज वो 50% स्टूडेंट जुड़े हैं 30-31 में से, गलत बात है, ये पूरे जुड़ने चाहिए, कैसे होगा, कोई बात नहीं, चलो देखो। तो मैंने क्या बोला, राइट ए फंक्शन टू, राइट ए फंक्शन टू डिस्प्ले द ऑल वैल्यूज ऑफ एनी टू डायमेंशनल मैट्रिक्स ए 100 100 एंड इंट एन एंड इंट एम, वेयर हेयर एन इज नंबर ऑफ रोज एंड एम इज नंबर ऑफ कॉलम्स। इसमें ये दिखाना है कि कौन कौन से नंबर हमारे 10 से डिविजिबल है, उनको डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे स्टूडेंट, मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, अब एक और बात, मैं यहाँ वन डायमेंशनल एरे में लिखता था आई, तो उसका मतलब क्या होता था, इंडेक्स होता था, क्या होता था स्टूडेंट, इंडेक्स होता था। अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ साथ में उस एरे का नाम और स्क्रिप्ट, तो उसका मतलब क्या होता था, उस इंडेक्स पर प्लेस्ड वैल्यू। जैसे मैंने कुछ क्वेश्चन कराए थे जो इवन इवन पोजिशन पर है वो ये हो जाए, और पोजिशन पर है तो ये हो जाए, तो वहां आई का यूज कर रहे थे इफ के साथ। बट मैं जहां ये बोल रहा था कि चेक करो कि कौन कौन सी वैल्यू आपकी इवन है, कौन कौन सी वैल्यू ऑड है, तो वहां हम क्या लिख रहे थे आदित्य, ए ऑफ आई लिख रहे थे, है ना। ऐसे ही यहाँ पर टू डायमेंशनल एरे में अगर मैं वैल्यू की बात करूंगा, किसकी वैल्यू, किसकी बात करूंगा, वैल्यू की बात करूंगा, तो यहां मैं क्या लिखूंगा, ए ऑफ आई के, क्योंकि यहाँ दो आपके डायमेंशन हो चुके हैं, वहां एक ही था, तो यहाँ ए ऑफ आई के क्या रिप्रेजेंट करेगा, किसी भी मैट्रिक्स की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है ना, और आई और के सिंपल क्या रिप्रेजेंट करेंगे, उस मैट्रिक्स के इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेंगे आई और के। तो अब मैं यहाँ एक छोटा सा प्रोग्राम जो मैंने बोला है थोड़ी देर पहले कि वो नंबर्स डिस्प्ले करिए आदित्य, जो 10 से हमारे क्या है डिविजिबल है एन 2D मैट्रिक्स ए। ठीक है, ये आपको गिवन रहेगा, आपको लॉजिक का फिट करना है। तो बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है, कुछ नहीं है इसमें। तो सबसे पहले यू हैव टू क्रिएट एक कोई फंक्शन ऐड कर लीजिए, वॉइड डिस्प्ले। ठीक है, वॉइड डिस्प्ले, थोड़ा हो सकता है बड़ा ना हो जाए इसलिए ऊपर से स्टार्ट करते हैं इसे। ठीक, देखो void, ठीक है, void display इसमें arguments student, arguments पहले से दिखो रहेंगे, number first रहेगा एक matrix int a 100 100। देखो अगर ये नहीं given है तो आप खुद भी add कर सकते हैं, but mostly cases में आपका ये गिवन रहेगा बोर्ड में कि किस नाम का है, किस नाम का बनाना है, ये सब कुछ गिवन रहता है ना। आप जरूरी नहीं है कि इंटीजर टाइप का हो, तो फ्लोट टाइप की मैट्रिक्स भी कर सकता है, किसी तरह की मैट्रिक्स कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ क्या कर देते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ एक थोड़ा सा चलो सिंपल प्रोग्राम है, कोई दिक्कत नहीं, वॉइड डिस्प्ले, थोड़े अच्छे प्रोग्राम हम कल कराएंगे, आज सिंपल देख लीजिए ना, एंट ए 100 100, ये मैट्रिक्स हमने मैक्सिमम मान लिया। अब इसमें जरूरी नहीं है कि वो 100 ही ले रोज और 100 कॉलम्स ले, वो 100 से छोटा कम भी ले सकता है, या मैक्सिमम मैट्रिक्स कितनी की है 100 100 की, पर जरूरी नहीं है कि एन की वैल्यू 100 ही यूज करे रोज। एन यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ रोज रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ कॉलम्स रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब मैंने जैसे आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि फंक्शन क्रिएट करते समय हम ऐड करते हैं कि इनका इनपुट कहां से आ रहा है, मेन फंक्शन से आ रहा है, कहां से आ रहा है, लेट कर लेते हैं इनका इनपुट कहां से आ रहा है, मेन फंक्शन से आ रहा है, यहां हमें कोई भी इनपुट देने की आवश्यकता क्या नहीं है। तो ये हम लेट करके चलते हैं, तो हमें ओनली ऑपरेशन परफॉर्म करना है कि कौन कौन से नंबर 10 से डिविजिबल है उनको आप दिखा दीजिए। तो क्या करेंगे, दो वेरिएबल ऐड करने पड़ेंगे, नंबर फर्स्ट आई एंड सेकंड वन इज के, लूप प्रोसीड करिए, फॉर लूप आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन इक्वल्स टू रोज के लिए एन माइनस 1,
n minus 1, I equals to I plus 1. Second loop is for k equal to 0, k less than equal to n minus 1. समझ आ रहा होगा क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, ठीक है। अब यहाँ पर हमें टेस्टिंग करनी है कि कौन कौन से नंबर चेक करना है 10 से डिविजिबल है मैट्रिक्स में। अगर डिविजिबल होंगे तो वो डिस्प्ले हो जाए, अदरवाइज डिस्प्ले ना हो। तो हाउ हम कैसे चेक करेंगे इसे, इफ ए ऑफ आई के मॉड्यूलस 10 इक्वल टू 0, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम क्या कर देंगे, सी आउट ए ऑफ आई के, हाँ तो मैं बन गया, हो गया ना। तो सबसे पहले जो आई की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, समझो थोड़ा, जीरो। फिर कंडीशन टू है, मान लो एन की वैल्यू 5 है, लेट कर लिया, फिर के हमारा जीरो होगा, तो सबसे पहले आई भी जीरो, के भी जीरो, ये भी कंडीशन, मान लो एन की वैल्यू 5 है, तो आई ए ऑफ 0 0 फर्स्ट एलिमेंट को चेक करेगा जो वहां से आया मेन फंक्शन से, क्या वो 10 से डिविजिबल है। अब मान लेते हैं कि वहां मेन फंक्शन ये वाली मैट्रिक्स आएंगे, कौन सी मैट्रिक्स, 100 10 10 120 15 10 10 90 और 19, ये मैट्रिक्स आएगी। तो सबसे पहले I भी जीरो होगा, K भी जीरो होगा, तो इस एलिमेंट की चेकिंग होगी कि ये 10 से डिविजिबल है कि नहीं। फिर I तो हमारा जीरो रहेगा, बट K क्या हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा, जैसे मैं बताया था। फिर इट मींस इसका इंडेक्स क्या होता है, 0 0, इसका क्या होता है, 0 1, इसको क्या होता है, 0 2, 1 0, 1 1, 1 2, 2 0, 2 1, 2 2। तो सबसे पहले इसकी मतलब डाटा वैलिडिटी चेक करेगा, ये नंबर हमारा 10 से डिविजिबल है कि नहीं। 10 से डिविजिबल होगा तो ये डिस्प्ले हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। फिर k हमारा बढ़ेगा, बट i कांस्टेंट रहेगा 0, जैसे मैंने आपको बताया था। तो इसका मतलब है वो सेकंड नंबर को चेक करेगा, कि सेकंड नंबर को चेक करेगा कि वो 10 से डिविजिबल है कि नहीं। फिर देन फिर आपके इस नंबर को चेक करेगा, फिर k हमारा पूरा हो जाएगा, तो अब i बढ़ जाएगी, i की वैल्यू 1 हो जाएगी, i की 1 हो जाएगी, और k फिर अंदर आया तो फिर k दोबारा चलेगा 0 से। अब आप देख रहे हैं कि इसमें 1 कौन है, सब कुछ, और दूसरा आपका बढ़ रहा है k वाला 0, 1 को बढ़ता है ना इंडेक्स में, तो अब एक एक करके इनको चेक कर लेगा सब, ठीक है। फिर तीसरी रो को चेक करेगा, तो जो भी नंबर 10 से डिविजिबल होंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, डिस्प्ले हो जाएंगे, और जो नंबर 10 से डिविजिबल नहीं होंगे वो डिस्प्ले नहीं होंगे, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। अब एक क्वेश्चन हो रहा है इसमें कि राइट ए फंक्शन टू काउंट द नंबर व्हिच आर डिविजिबल बाय 10। तो सिंपल है, अगर मुझे इसी क्वेश्चन में चेंज करना है कि ऐसे नंबर काउंट करो जो 7 से डिविजिबल है, किससे डिविजिबल है, 7 कर लेते हैं, 7 से डिविजिबल है, तो आपको पता है कि डिविजिबिलिटी काउंट कैसे मॉड्यूल साइज से ही करते हैं, बट अब हमें इनको दिखाएंगे नहीं, क्या करेंगे, दिखाएंगे नहीं, इनको काउंट करेंगे, क्या करेंगे, काउंट करेंगे। अभी तक तो हम सी आउट ए ऑफ आई कर दे रहे थे, आउटपुट जो भी नंबर 10 से डिविजिबल वो हमारे सामने डिस्प्ले हो रहा है, हो जा रहे थे, बट अब हमें क्या करना है, जो नंबर 7 से डिविजिबल है उनका क्या करना है स्टूडेंट, उनको आपको क्या करना है, काउंट करना है, नॉट डिस्प्ले, काउंट करना है। तो काउंट करने के लिए सी प्लस टू 0 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, 0। ये कंडीशन यदि ट्रू होगी तो सी इक्वल टू सी प्लस 1, तो ये जो सी इक्वल टू सी प्लस 1 कितनी बार होगा, ये वैल्यू 1 1 इंक्रीज कितनी बार होगी, जितने ऐसे नंबर आपके मिलेंगे जो 10 से डिविजिबल होंगे। पर 7 कराया था तो चलो 7 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप 7 10 कर लो, जब 10 कर लो कोई दिक्कत, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपके आपके बंद हो गए, और लास्ट में जब लूप को टर्मिनेट होने का क्या लिखते हैं, सी आउट सी, और लास्ट में ये, ठीक है। इससे क्या होगा, वो नंबर हमारे सामने इनकी काउंटिंग डिस्प्ले हो जाएगी, काउंटिंग मतलब कि कितने नंबर हमारे 7 से डिविजिबल हैं। एक प्रोग्राम दो प्रोग्राम और बताता हूँ, उसके बाद आज के लेक्चर कंप्लीट होंगे, फिर ये कल कंप्लीट हो पाएगा, बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तीसरा मैं फंक्शन बताता हूँ, इनका हमें सम करना है, तो जो 7 से डिविजिबल नंबर है उनका हमें सम करना है, सम मतलब उनको जोड़ना है स्टूडेंट, एड करना है, नॉट काउंटिंग, नॉट डिस्प्ले,
आपको क्या करना है, जस्ट एड दैट, उनको आप एड करो विच आर डिविजिबल बाय 10, ठीक है, तो 10 से डिविजिबल है, तो यू हैव टू लेट c इक्वल टू 0 या s इक्वल टू 0 एज यू लाइक, कुछ भी आप लेट कर सकते हैं, तो चलो c मान लो, क्या मान लो, c लेट कर लो, यहां मुझे क्या लिखना पड़ेगा, s मान लो, चलो s आप ज्यादा मानते हो, s इक्वल टू s प्लस क्या करेंगे a ऑफ i k, क्योंकि हमें यहाँ किसको ऐड करना है, हमें यहाँ ऐड करना है वैल्यू को, और वैल्यू क्या होती है मैट्रिक्स में, a ऑफ i k, i k तो होती है ना, तो यहाँ पर जो नंबर सेवन से डिविजिबल होंगे जिससे करना चाहे वो नंबर आपके किस में ऐड हो जाएंगे, वन बाई वन s में ऐड हो जाएंगे, लास्ट में क्या लिख देंगे c ऑफ s, ठीक है, तो जो नंबर सेवन से डिविजिबल है वो हमारे क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, आपके डिस्प्ले हो जाएंगे। अब एक और क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, क्या आता है कि जिसकी लास्ट डिजिट, क्या जिसकी लास्ट डिजिट 5 से ग्रेटर है, कितने से 5 से ग्रेटर है, ऐसे नंबर जिनकी लास्ट डिजिट 5 से ग्रेटर है उन नंबर्स को डिस्प्ले कराइए। तो स्टूडेंट बहुत सिंपल है, अगर मैंने लिखा है यहां पर 15 में अगर मैं 10 का मॉडल कर दूं क्या आएगा 5, मैंने लिखा 155, अगर इसमें मैं 10 का मॉडुलस कितना कर दूं कितना आएगा 5, लास्ट का रिमाइंडर आता नहीं होता कि इसको डिवाइड करने के बाद कितना बचा, तो यहां पर मुझे चेक करना है कि किसकी लास्ट डिजिट 5 से अबव है वो नंबर डिस्प्ले हो जाए, तो क्या करना पड़ेगा भाई, यहां पर मैं 10 का मॉडुलस कर दूं, जो भी नंबर है उसमें 10 का मॉडुलस कर दूं, और यहां लिख दूं 10 का मॉडुलस करने के बाद यहां लिख दूं, अभी तो यार क्या था 7 था ना, कोई बात नहीं, यहां 7 है तो क्या कर दूं 10 ग्रेटर देन 5, तो जो आपके इस 10 का मॉड्यूल करने के बाद लास्ट डिजिट आपकी फाइंड आउट हो जाएगी, अगर वो 5 से ग्रेटर देन है, 5 से क्या है वो ग्रेटर देन है, तो डिस्प्ले होगा नंबर, अदरवाइज वो डिस्प्ले नहीं होगा, समझ में नहीं आया, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ऐसी ये प्रोग्रामिंग आपके समझ में आ गई होगी। एक लास्ट प्रोग्राम और बताते हैं उसके बाद फिर हम इसको ऑफ करेंगे आज के लेक्चर को, कि जो भी इवन नंबर्स है, इवन नंबर्स में 2 का मल्टीप्लाई और ऑड नंबर्स में, सॉरी इवन नंबर 3 का मल्टीप्लाई ऑड नंबर में 2 का मल्टीप्लाई, सिंपल क्वेश्चन बना देते हैं, ठीक है, तो क्या आपको पता है इवन नंबर्स के लिए क्या प्रोग्रामिंग होती है, कि मॉड्यूलस 2 इक्वल टू कितना होना चाहिए 0, क्योंकि मॉड्यूल करने के बाद किसी भी नंबर का अगर 0 आ रहा है तो वो किस नंबर से डिविजिबल होगा, उस नंबर से पर्टिकुलर डिविजिबल होगा, तो यहां हम चेक करते हैं इफ a ऑफ i k मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0 देन क्या करना है हमें उसके नंबर में पुराने नंबर में क्या करना है मुझे मल्टीप्लाई करना है 3 से, अगर वो नंबर इवन नहीं है तो मुझे मल्टीप्लाई कितने से करना है, मल्टीप्लाई करना है 2 से, कितने से करना है 2 से करना है, या फिर 7 जितना भी लेना चाहते हैं एज यू लाइक, जितने से करना होगा उतने से आप कर सकते, ठीक होगा भैया, ये आपका प्रोग्राम बन गया, ठीक है, 2 हो 7 हो जितना भी हो, अगर आपको 2 करना है तो 2 भी कर सकते हैं, ठीक है भैया। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो मैंने क्या लिखा था, मल्टीप्लाई ओके ये डन हो, ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है, क्योंकि बीएसटी का भी वो हो रहा है टाइम, अभी मैं इसको इस लेक्चर को अभी यूट्यूब पर डालने वाला हूँ, वहां से भी आप इसे देख सकते हैं, लिंक भेज दूंगा आपके पास, ठीक है। आदित्य जी हाँ बोलिए, एक मिनट अभी मैं आपको, एक मिनट बेटा रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, अब आप